इंडिया की क्रिकेट्स में कुछ ऐसी टीम्स हैं, डोमेस्टिक की टीम है, जिनका क्रिकेट पहले से बहुत अच्छा है और उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। उसी में से एक है वेस्ट बंगाल। हमारे एक यूज़र हैं जो बंगाल पे चाहते थे कि एक वीडियो आए कि बंगाल में से अगर आप हैं या बंगाल से आप खेलना चाहते हैं तो किस तरीके से ट्रायल्स होते हैं और क्या आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप 2023-24 में बंगाल से ट्रायल दे सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ हम बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर। जैसा कि पहले भी आपको पता ही होगा कि बंगाल में फुटबॉल का भी बहुत क्रेज़ है, तो फुटबॉल में क्लब का कल्चर होता है, ठीक उसी तरीके से बंगाल की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्लब का कल्चर है, ठीक है। तो आप अगर कोई एफिलिएटेड वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड क्लब ज्वाइन करेंगे तभी आपके पास मौका, अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की रहेगी। तो आप वेस्ट बंगाल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ आप देखेंगे 95-96 एफिलिएटेड क्लब है, वो देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर पड़ता है या काफ़ी क्लब्स ऐसे होंगे जो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे, उन क्लब को आपको ज्वाइन करना होगा और डिवीज़न के मैचेस में होंगे, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के और जो भी उनका डिवीज़न का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ए ग्रेड के जो डिवीजन्स के हैं मैचेस होते होंगे वो है सीनियर्स के और बाकी जो है जूनियर्स के कैटेगरी डिवाइड है। तो आप जब क्लब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ हर साल प्लेयर रजिस्ट्रेशन होता है। आप वेबसाइट में भी जाएंगे तो जितने क्लब के जितने भी खिलाड़ी रजिस्टर्ड रहते हैं उनकी एक लिस्ट रहती है। आप खुद वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि कौन कौन किस किस क्लब में रजिस्टर्ड खिलाड़ी है। तो हर प्लेयर का, एक एक प्लेयर का प्लेयर रजिस्ट्रेशन होता है आपके मोबाइल नंबर से और डॉक्यूमेंट के साथ, और क्लब ज़रूरी है, अगर आप क्लब क्रिकेट खेलेंगे तभी रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और एक चीज़ क्या होता है वहाँ भी, जैसे आप हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्लब का कल्चर क्या होता है या क्लब की क्रिकेट किस तरीके से होती है। जैसे इंटर क्लब मैचेस होते हैं उसके परफॉर्मेंस के बाद फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो इसी तरीके से जब आप क्लब के अपने क्लब के मैचेस में परफॉर्म करेंगे आगे जाएंगे तब आप अंडर 16-19 जिस एज ग्रुप में रहेंगे उस ग्रुप के टूर्नामेंट जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू क्लब के होंगे उसमें आप परफॉर्म करेंगे तो वो आपको आगे ट्रायल्स के लिए भेजेंगे। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप वहाँ से खेलना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में है कि आप विदाउट ट्रायल दिए ही खेल सकते हैं। और एक चीज़ और हम कहेंगे कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर उनके पास 3-4 साल टाइम है तो आपको वेस्ट बंगाल चले जाना चाहिए। देखिए पहले साल आप रजिस्टर्ड करोगे तो आप ट्रायल्स नहीं दे पाओगे लेकिन क्लब के मैचेस खेल पाओगे, लेकिन 3 साल बाद क्योंकि वहाँ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है ना, तो वहाँ मैचेस अच्छे मिलेंगे, अगर आपके अंदर प्रतिभा होगी तो वहाँ से ज़रूर सेलेक्ट हो जा पाओगे। और जो बंगाल के खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको ट्रायल्स देने के लिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर बाई बर्थ जन्म प्रमाण पत्र तो अच्छी बात है, उसके अलावा 3 साल की मार्कशीट, 3 साल की मार्कशीट, अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है या आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप पढ़े नहीं हो तो आप एफिडेविट दे सकते हो, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाया हूँ और आगे भी लाऊँगा कि एफिडेविट आप नॉन एजुकेटेड का कैसे दे सकते हैं। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के साथ आप ट्रायल दे सकते हो। और लास्ट बात जो रही कि क्या 2023-24 में ट्रायल्स दे सकते हैं, देखिए सारे क्लब के मैचेस सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है तो 2023-24 में आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो आपके इन्फॉर्मेशन देगा वो 24-25 में आप ट्रायल दे पाओगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, वेबसाइट पे जाइए, जो भी रजिस्टर्ड क्लब है उनको ज्वाइन करें, वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, आपको टूर्नामेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जिससे आप ट्रायल्स दे पाओगे। देखिए पहले ही हमने बताया कि हम हर राज्य की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। एक यूज़र हैं जो बंगाल के जो काफ़ी परेशान थे, वो वीडियो चाहते थे, ये उनके ऑन डिमांड पे वीडियो है और चाहे आप 10 लोगों का क्वेश्चन हो चाहे 1 लोगों का, हमारे लिए दोनों सेम मायने रखते हैं। तो किसी एक का भी कोई क्वेश्चन होगा, हमको लगेगा ये इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसफ़र करनी चाहिए तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और हाँ, कमेंट करते रहिए, कमेंट में अपना प्यार दिखाते रहिए आप। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़े हमारे साथ, कहाँ जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन।